वन विभाग की सीमा के 1 किलोमीटर अंदर बना पंचायत का परकुलेशन टैंक खोड़ से आबित पक्ष पत्रकार की रिपोर्ट। वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार की सभी हदों को पार कर अब अवैध माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। इन माफियाओं के द्वारा वन परिक्षेत्र में अवैध खनन कर अंधाधुंध पत्थर की खदानों का संचालन किया जा रहा है, तो वहीं खेर महुआ आदि के पेड़ों की कटाई भी लगातार की जा रही है। ताजा मामला करेरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खोड़ सब रेंज मुख्यालय खोड़ का है, जहां पर पदस्थ डिप्टी रेंजर मनोज धोरे के कार्य क्षेत्र की दरगुआ बीट में कंपार्टमेंट क्रमांक 1062 में विगत दिनों रात्रि के समय जेसीबी मशीन के द्वारा पहाड़ी की अवैध रूप से खुदाई की गई और अनेक ट्रैक्टरों के द्वारा मुरम का परिवहन भी किया गया। साथ ही उक्त स्थान पर वन विभाग की भूमि पर पंचायत के द्वारा परकाइलेशन टैंक भी बनाया गया। इस तरह के कृत्य को वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा देख रेख कर अनदेखा करना वन विभाग की कार्यप्रणाली और माफिया को दिए जा रहे संरक्षण को दर्शाता है। यहाँ ये बताना होगा कि खोड़ब पर पदस्थ डिप्टी रेंजर मनोज धोरी की अनेक शिकायतें क्षेत्रवासियों के द्वारा की जा रही है, परंतु वन विभाग के आला अधिकारी बस लीपा पोती करने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में बने इस परकुलेशन टैंक के संबंध में करेरा एसडीओ मनोज सिंह से फोन पर बात की गई, तब उनके द्वारा बताया गया कि मैं जल्द ही जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करता हूँ।